नमस्कार आदाब, मैं मारुफ मिलन रहमानी, स्वागत है आपका सारा सच में। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना पहला ई स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर को S1 और S1 प्रो मॉडल में लॉन्च किया गया है। S1 की कीमत 99,999 रुपये और S1 प्रो की कीमत 1,29,999 रुपये है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में सब्सिडी के साथ इसकी कीमत अलग अलग रहेगी। स्कूटर की बिक्री 8 सितंबर से शुरू होगी, डिलीवरी अक्टूबर में शुरू की जाएगी। इसे कंपनी की वेबसाइट से बुक किया जा सकता है। कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने स्कूटर को काफ़ी रोचक तरीके से लॉन्च किया। भावेश कंपनी के कृष्णागिरी प्लांट की छत के ऊपर खड़े दिखाई दिए। इवेंट की शुरुआत में उन्होंने प्लेनेट की खूबसूरती का जिक्र किया, फिर बताया कि कैसे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। देश में हर साल गाड़ियों पर 12,000 करोड़ लीटर फ्यूल खर्च होता है। वहीं देश में होने वाले कुल पॉल्यूशन में 40% हिस्सेदारी इन्हीं गाड़ियों की होती है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की। 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड। ओला ने S1 स्कूटर में 8.5 किलोवाट पीक पावर जनरेट करने वाली मोटर लगाई है। इस मोटर को 3.9 किलोवाट कैपेसिटी वाली बैटरी से जोड़ा गया है। यह 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंगल चार्ज पर ये 181 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसमें राइडिंग के लिए नॉर्मल, सपोर्ट और हाइपर मोड मिलते हैं। 6 घंटे में फुल चार्ज। स्कूटर के साथ कंपनी 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर देगी। इसकी मदद से बैटरी मात्र 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं ओला के हाइपर चार्जर स्टेशन पर 18 मिनट में 50% बैटरी चार्ज करा सकते हैं। रिवर्स मोड भी मिलेगी। स्कूटर में रिवर्स मोड भी मिलेगा। इसकी मदद से गाड़ी को पार्किंग करने में आसानी होगी। यदि किसी चढ़ाई वाली जगह पर स्कूटर को रोकना पड़ता है, तब मोटर उसे उसी जगह पर रोक कर रखेगी, यानी राइडर को स्पीड देना या उसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें क्रूज कंट्रोल मिलेगा, इससे स्कूटर को एक ही स्पीड में चला पाएंगे। इसके फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट में मोनोसोकर्स मिलेंगे। 7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। ओला ने इस स्कूटर में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया है, जो मूव ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। डिस्प्ले काफ़ी शार्प और ब्राइट है। ये वाटर और डस्ट प्रूफ है। इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 3GB रैम के साथ चिपसेट दिया है। ये 4G वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। स्कूटी के साथ कोई चाबी नहीं मिलेगी। स्कूटर के साथ कंपनी चाबी नहीं दे रही है। आप इसे स्मार्टफोन ऐप और स्क्रीन की मदद से लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। इसमें सेंसर दिए हैं, जिससे आप जैसे ही स्कूटर के पास आएंगे, स्कूटर नाम के साथ हाय करेगा, दूर जाने पर नाम के साथ बाय करेगा। स्कूटर का स्पीडोमीटर बदल पाएंगे। इसके डिस्प्ले में जो स्पीडोमीटर मिलेगा, उसमें कई तरह के फेस मिलेंगे, जैसे आप डिजिटल मीटर, पुराने गाड़ी जैसा मीटर या दूसरा फॉर्मेट चुन पाएंगे। खास बात है कि आप जैसा मीटर सेलेक्ट करेंगे, स्कूटर उसी तरह का साउंड आएगा। फैमिली मेम्बर्स के लिए स्पीड तय कर पाएंगे। यूजर डैशबोर्ड को अपने हिसाब से एडिट कर पाएगा। इसमें नेविगेशन, स्पीडोमीटर, म्यूजिक जैसी अलग अलग चीज़ों को कस्टमाइज कर पाएंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से स्कूटर की स्पीड लिमिट तय कर सकते हैं। वॉइस कमांड को भी फॉलो करेगी। ये वॉइस कमांड से कंट्रोल होगा। इसके लिए यूज़र को हाय ओला कहकर कमांड देनी होगी। जैसे हाय ओला प्ले सम म्यूज़िक डिमांड देने पर गाना प्ले हो जाएगा। इंक्रीज वॉल्यूम की कमांड देने पर आवाज़ बढ़ जाएगी। म्यूज़िक के लिए इसमें बिल्ट इन स्पीकर दिया है। कॉल अटेंड कर पाएंगे। यदि राइडिंग के दौरान किसी का कॉल आता है, तब आप स्क्रीन पर टैप करके उसे अटेंड कर पाएंगे। इसके लिए फ़ोन को निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस काम को वॉइस कमांड के जरिए भी कर पाएंगे।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सारा सच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।